बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस कुमकुम, जिनका नाम ओरिजिनल में है ज़ेबू निशा, 86 साल की उम्र में हमें उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है। जी हाँ, आर्या पार फिल्म में उनका जो गाना था कभी यार कभी पार, उस फिल्म के गाने से उन्हें बिग ब्रेक दिया था गुरुदत्त ने। और प्यासा फिल्म में भी उनका एक कैमियो रोल था, नया दौर, कोहिनूर, और इसके अलावा सन ऑफ इंडिया, श्रीमान फंटूश, कई सारी फिल्मों में गीत, कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का परचम लहराए। इवन पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चेधेबो, ये भी एक फिल्म कुछ आई थी 1963 में, उसमें भी इनका एक रोल था। तो कुल मिला के एक अच्छी खासी फिल्मी सफर करने वाली, 115 फिल्में करने वाली, 50s और 60s के दशक में राज करने वाली कुमकुम अब हमारे बीच में नहीं रही। एक लंबी बीमारी तो नहीं थी, बट एक बोलते ना उम्र होने के बाद जो बीमारियां होती है, उस तरह की बीमारियों से उनका कल मुंबई के बांद्रा इलाके में निधन हो गया। और मझगांव में उन्हें आखिरी में जिस तरह से जो आखिरी विदाई दी गई, और एक बॉलीवुड लीजेंड की फिर क्षति हुई इस साल, और ये एक बहुत ही दुखदायक घटना है। और मुझे अभी भी नए दौर का उनका जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस है, मेरे चेहरे के सामने आग बंद करता हूँ तो नजर आता है कितना प्यारा उनका परफॉर्मेंस था नया दौर फिल्म में। और नया दौर फिल्म में नहीं, नया दौर फिल्म में तो यही था, इधर मदर इंडिया में, मदर इंडिया परफॉर्मेंस में बात करूँ एक्चुअली, तो एक लेजेंड हमारे बीच में इस साल नहीं रही, और इससे बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कोहिनूर फिल्म में भी उन्होंने काम किया, तो मैं यही कहूँगा कि भारत ने अपना कोहिनूर खो दिया है कुमकुम के रूप में। और हम सबकी तरफ से यही कहेंगे, बिहार में जन्मी थी ज़ेबू निशा यानी कि कुमकुम, हमारी तरफ से उन्हें कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और आपका जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने की है हमारे लिए, फिल्में दी है, वो अब हमेशा हम याद रखेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही।